Am and today I will present you a story written by Ruskin रुस्किन The Room on the Roof. यह रुस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पहला नॉवल है जो उन्होंने 17 साल की उम्र में लिखा और ईयर 1957 में जॉन लेवन राइस मेमोरियल प्राइज भी इनको मिला था इसी नावल को लिखने के लिए यह किताब देहरादून के एक सत्रह वर्ष एंग्लो इंडियन बॉय की है जिसके माता पिता का निधन हो चुका है और अब वह अपने गार्जियन के घर पर जो कि एक मिशनरी हैं उनके ही यहाँ पे उनके साथ रहता है गार्जियन का नाम मिस्टर जॉन हैरिसन है जो कि अपनी वाइफ के साथ रहते हैं यह स्टोरी ब्रिटिश रूल के बाद लिखी गई है फ्रेंड्स इस कहानी में कई कैरेक्टर्स हैं रस्टी जिसपे ये पूरी कहानी उसी के आसपास जो है घूमती रहती है तो रस्टी एक ऑर्फन बॉय है जो कि एक एंग्लो इंडियन है जॉन हैरिसन रस्टी के केयरटेकर हैं या हम कह सकते गार्जियन है किशन मिस्टर कपूर का बेटा है मीना कपूर मिस्टर कपूर की वाइफ हैं जो कि बहुत सुंदर है मिस्टर कपूर किशन के फादर सोमी रस्टी का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जो कि सिख है और वह पगड़ी बांधता है रणबीर एक मस्कुलर बॉय है एंड यह भी रस्टी का फ्रेंड है सूरी एक बहुत ही चालाक लड़का है जो कि रणबीर सोमी और किशन किसी को भी नहीं पसंद आता है या चश्मा पहनता है तो फ्रेंड्स कहानी की शुरुआत शुरू होती है रस्टी से जो अपने गार्जियन मिस्टर हैरिसन के घर पर रहता है मिस्टर हैरिसन एक मिशनरी हैं जो कि रस्टी के गार्जियन भी हैं और वे चाहते हैं कि रस्टि उनकी रेख देख में ही पले और उसे इंग्लिश सोसाइटी के सारे नियम और उठना बैठना सब कुछ आ जाए क्योंकि उनका मानना है कि इंग्लिश सोसाइटी ज़्यादा सिविलाइज्ड है कंपेयर टू इंडियन सोसाइटी और इसी कारण वे कभी कभी रस्टी पे बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं और अत्यधिक स्ट्रिक्ट भी हैं उसके प्रति जिस कारण रस्टी के पास कोई भी इंडियन सोसाइटी का फ्रेंड नहीं है रस्टी क्योंकि अभी टीनेजर एज में है वह 16-17 साल की उम्र का लड़का है जो कि अपनी इच्छा अनुसार अपने दोस्त बनाना चाहता है और बाहर के परिवेश से कुछ सीखना समझना चाहता है पर उसको इस ये सब करने की अनुमति नहीं है उसे मिस्टर हैरिसन का बर्ताव अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जब कोई गलती रस्टी से हो जाती तो मिस्टर जॉन हैरिसन बहुत ही नाराज होते और रस्टी को डंडे से मारती जिस कारण रस्टि को घर छोड़ने की भावना भी पनप उठती रस्टि की उम्र बढ़ रही थी और उसकी समझ भी वह भी दोस्त बनाना चाहता था बाहर के वातावरण को देखने समझने के लिए वह एक दिन घर से वॉक के बहाने चला जाता है मिस्टर हैरिसन की वाइफ को बता करके और ये सब इसलिए भी होता है क्योंकि उस दिन मिस्टर हैरिसन दिल्ली गए हुए थे और रस्टी को ये अच्छा बहाना मिला हुआ था बाज़ार घूमने का और वह निकल जाता है जहाँ उसकी मुलाकात सोमी से होती है जो कि साइकिल पे घूम रहा होता है और वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सोमी उसे चाट खिलाने ले जाता है रस्टी ने पहली बार ही चाट खाई होती है और वे दिन और वे दोनों खूब मस्ती करते हैं रस्टी जब वापस घर लौटता है तो मिस्टर हैरिसन पहले से वहाँ पर मौजूद होते हैं और वे रस्टी पर बहुत ही नाराज़ होते हैं क्योंकि रस्टी लेट पहुँचा था घर पर और वे अपनी मलक्का स्टिक से उसे बहुत मारते हैं रस्टी को बहुत दर्द होता है और गुस्सा भी आता है वह बहुत ही असहाय महसूस करता है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं अगले ही दिन होली का फेस्टिवल भी है जिसके लिए रणबीर जो कि रस्टी का ही दोस्त है उसने रस्टी को होली सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किया था पर रस्टी ने भी कह दिया था कि वह तभी ही होली पे आएगा जब उसके अंकल जॉन हैरिसन घर पर नहीं होंगे पर मिस्टर हैरिसन तो घर पर ही थे तब रस्टी ने अपने आप को मनाने की बहुत कोशिश की घर पर रखने की बहुत कोशिश की पर उसका मन तो होली के सेलिब्रेशन में जाने का ही हो रहा था और वह निकल जाता है और जब वह जंगल के रास्ते में से जा रहा होता है तो उसे रणबीर मिलता है जो कई बच्चों के साथ होली खेल रहा होता है वे सारे बच्चे रस्ते पर भी रंग फेंक देते हैं और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं यहां तक कि उसकी शर्ट भी फट जाती है सारा दिन वे वे सभी दोस्त होली खेलते हैं, हैं। और इस बीच वे सूरी के घर भी जाते हैं। सूरी वही चालाक लड़का जो सबकी बातें लेता है और फिर मजा मारता है सूरी के घर जाने पर पता चलता है कि सूरी जो है वो होली नहीं खेलना चाहता है पर सारे दोस्त जो हैं सूर्य को मजा चखाना चाहते थे क्योंकि सूर्य की इस हरकतों से वे बहुत परेशान थे और वे सूर्य को जबरदस्ती बाहर ले आए इस बीच सूर्य का चश्मा भी टूट चुका था क्योंकि सभी लड़के सूर्य की चलाकी जानते थे कि प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करता है यह सभी को बुरा लगता था तो उन सभी ने सूर्य के साथ कुछ उसको सबक सिखाने के लिए ही यह सब किया था शाम को जब रस्टी घर पर पहुंचा तो मिस्टर हैरिसन रस्टी को पहचान न सके कुछ समय बाद वे उसे पहचान लेते हैं और बहुत नाराज होते हैं क्योंकि वे जिस बात को मना करते रस्टी वही करता तब वे उसकी पिटाई मलक्का स्टिक से कर देते हैं रस्टी के फेस से ब्लड निकलने लगता है और रस्टी को अब ब्लड देखते हुए बहुत गुस्सा आ जाता है और वह मिस्टर हैरिसन को भी जोर से धक्का मारता है कॉलर पकड़कर बाहर चला जाता है और खूब हंसता है पर तुरंत ही उसे एहसास होता है यह तो आधी रात का समय है उसके सोने के लिए जगह और कोई चादर या ब्लैंकेट भी नहीं है तभी वह रास्ते पे एक औरत को देखता है जो उसे बुलाती है रस्टि ने सोचा कि शायद वह औरत उसकी मदद कर सके तो वह उसके नज़दीक जाता है उस औरत ने उसे किस किया रस्टी को यह बड़ा अजीब लगा और वह वहाँ से चला गया और फिर वह एक मैदान पर जाकर सो गया और जैसे ही सुबह हुई वह चार्ट शॉप की ओर जाता है और वहाँ पहुँच कर सीढ़ियों पर ही सो जाता है थोड़ी देर बाद वहाँ सोमी आ जाता है वह उसको उठाता है और अपने साथ ले जाता है और सोमी उसकी पूरी कहानी सुनता है और बिना कुछ कहे उसका साथ देते हुए रास्ते पर जा रहा होता है तभी उनको किशन दिखाई देता है किशन वही जो मिस्टर कपूर का लड़का है जो कि बहुत अमीर आदमी है पर इस समय मिस्टर कपूर का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है फिर भी किशन उसको अपने घर ले जाता है कपड़े खाने और सोने की व्यवस्था कर देता है अब रस्टी बहुत ही अच्छा और आरामदायक महसूस करता है और अगले ही दिन सोमी के साथ वाटर टैंक पर नहाने चला जाता है वहाँ ठंडा पानी होता है और रस्टी को बहुत ही एम्बेरिस फील होता है कि उसके पास तो तौलिया भी नहीं है तभी उसे पता चलता है कि सोमी की फैमिली उसकी सिस्टर की शादी करने के बाद दिल्ली से देहरा आ चुके हैं ताकि सोमी की पढ़ाई अच्छे से हो सके और अब वे देहरादून में ही सेटल हो चुके हैं फिर उसके बाद सोमी रस्टी से कहता है कि तुम किशन को इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा देते हो ताकि तुम्हारे खाने और रहने की बंदोबस्त हो जाए पैसे तो नहीं मिलेंगे पर यह भी कोई कम नहीं है रश्मि को मिस्टर कपूर के बंगले की रूफ के ऊपर का रूम मिल गया वहाँ पार्टी हो रही थी मिस्टर कपूर बहुत शराब पी चुके थे और उनकी वाइफ उनको संभाल रही थी वह बहुत ही सुंदर होती है और किशन वहाँ पार्टी में नहीं होता है क्योंकि पार्टी में जाना उसे पसंद नहीं होता है मिस्टर कपूर रस्टी से अजीब अजीब बातें करते हैं जो रस्टी के समझ नहीं आ रही होती हैं और फिर वह वहाँ से चला जाता है किशन को बाज़ार में जाना बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ जाना उसे अलाउड नहीं था और जिस काम को करने से उसे मना किया जाता वह उसे ज़रूर ही करता उसे बाज़ार में दोस्तों के साथ घूमना पसंद है पर बाज़ार में घूमती वह गाय महारानी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वह गाय सबको डराती और मारती रहती है और किसी के लिए रास्ता भी नहीं छोड़ती है इसीलिए किशन उसकी पूछ पर टिन बांध देता है और मार्केट से भगाता है और जब गाय महारानी को मौका मिलता है तो वह किशन को भी गटर में गिरा देती है रणबीर को भी मार्केट घूमना बहुत अच्छा लगता है इसलिए दोनों दोस्त साथ में चाट खाने जाते हैं पैसे अक्सर किशन के पास ही होते हैं और वही देता है ये पैसे वह अपने फादर से लेकर के आता है नेक्स्ट टाइम रणबीर सोमी किशन और रस्टी चाट शॉप पे मिलते हैं और चाट खाते हैं पर रणबीर को बहुत दुख हो रहा होता है उसे लग रहा होता है कि उसकी वजह से ही रस्टी को अपने घर से बेघर होना पड़ा पर रस्टी रणबीर पे नाराज तो बिल्कुल ही नहीं था इनफैक्ट अव्वज ज्यादा खुश था तभी सोमी किशन से कहता है कि तुम अपने फादर से बात करके कोई काम रस्टी को क्यों नहीं दिला देते हो बात करो तब शाम को किशन और रस्टी एक साथ किशन के घर पर जाते हैं पर जब वे घर पहुंचते हैं तब किशन की माँ मीना बहुत गुस्से में होती है क्योंकि किशन अपने पिता के पैसे लेके चला गया था और यह सब उसने अपनी माँ को नहीं बताया था जिसके कारण वह किशन को एक चाटा मार देती है और रशि किशन को बचाते हुए कहता है कि यह सब उसकी ही गलती से हुआ है यह सुन मीना का गुस्सा खत्म हो जाता है फिर वे सभी कैरम खेलने लग जाते हैं जिसमें रश्चि और मिस्टर कपूर एक टीम में होते हैं और किशन और मीना दूसरी टीम में और किशन और मीना की टीम जीत जाती है तभी मीना ने रस्टी को बताया कि रस्टी अब तुम किशन को पढ़ा सकते हो और खाना रहना सब तुम्हें मिलेगा रस्टी को यह एहसास हुआ कि उसे मीना से गहरा लगाव हो चुका है शायद प्यार हो चुका है मिस्टर हैरिसन सभी को रस्टी के बिहेवियर के बारे में बताते हैं और उनकी वाइफ उन्हें समझाते हुए कहती है कि वे रस्टी को माफ़ कर दें पर मिस्टर हैरिसन कहते हैं कि वे उसे माफ़ तो कर देंगे पर वे चाहते नहीं कि रस्टी लौट के वापस घर आए तभी मीना रस्टी को रूम दिखाती रूम तो काफ़ी छोटा होता है पर फिर भी रस्टी वहाँ रहना चाहता है क्योंकि उसे मीना अब अच्छी लगने लगती है उसे मीना से लव जो हो गया था इस बीच रणबीर देहरा छोड़ के मसूरी चला जाता है और सोमी को अच्छा नहीं लगता है कि रस्सी को बहुत ही छोटा कमरा दिया गया है पर रस्टी सोमी को यकीन दिलाते हुए कहता है कि वह वहाँ बहुत खुश है अगली ही सुबह किशन रस्टी के कमरे में आ जाता है और दोनों टैंक पे नहाने के लिए एक साथ चले जाते हैं फिर वे पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जा हो जाते हैं पढ़ाते समय रस्टी किशन से कहता है कि वह एक दिन एक राइटर बनना चाहता है कपूर फैमिली में रस्टी को सभी पसंद करते हैं मिस्टर कपूर रस्टी को इसलिए पसंद करते हैं कि वह उनकी चमचागिरी बहुत अच्छे से करता है और किशन को रस्टी की कंपनी बहुत पसंद है और मीना मीना तो उसे पसंद करती है क्योंकि रस्टी उसे पसंद करता है मिस्टर कपूर और मीना की एज में लगभग बीस साल का गैप है मीना शादी के समय तेरह साल की ही थी और शादी के बाद वे दोनों यूरोप घूमने भी गए थे जहां उन्हें वाइन पीने की आदत सी लग गई और जिस आदत के कारण मिस्टर कपूर को बिजनेस में नुकसान होने लगा अब वे अपना बिजनेस भी अच्छे तरीके से संभाल नहीं पा रहे थे और बिजनेस की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी नेक्स्ट डे जब रश्मि कपूर के पास बैठा होता है तो वह उन्हें यह सजेशन देता है कि वे एक क्लब क्यों नहीं खोल लेते जिसका नाम डेवल्स क्लब हो सभी बड़े खुश थे और एक्साइटेड भी होते हैं और एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं जो वहाँ उस क्लब में होंगी जैसे कैरम खेलना लोग वहाँ आकर के डिस्कशन करेंगे और इस बात पर सभी राजी भी हो जाते हैं और इसी बात के लिए वे सेलिब्रेट भी करने के लिए चाट शॉप पे चले जाते हैं मिस्टर कपूर ने बहुत पी रखी होती है तो उन्होंने कहा कि मैं चाट शॉप ही खरीद लूँगा और यह सुन सब लोग परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि मीना मिस्टर कपूर को अपने साथ वहाँ से घर ले जाए रस्टी और किशन मिस्टर कपूर से कहते हैं कि आप घर जाएं दुकान खरीद के हम अभी आते हैं और जब रस्टी किशन घर को जा रहे होते हैं तो रस्टी किशन से कहता है कि वह मीना से प्यार करता है और आगे कहता है कि शायद तुम इस बात से जेलस फील कर सकते हो पर किशन कहता है कि उसे जेलसी तो कोई नहीं हो रही है पर सुनने में थोड़ा मजाकिया सा लग रहा है कि वो उसकी माँ को प्यार करता है सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं और समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और वे सभी पिकनिक के लिए कार से जाते हैं जिसमें मिस्टर कपूर उनकी वाइफ बेटा किशन रस्टी, सोमी सूरी और उसका डॉग होते हैं, वो उसके को में डाल देते हैं। और गाड़ी चल पड़ती है गाड़ी एक नदी को क्रॉस करती है कि अचानक गाड़ी बंद हो जाती है और वे सभी उतर जाते हैं और गाड़ी को धक्का लगाते हैं गाड़ी बाहर पानी से आ जाती है पर फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो सबने यह डिसाइड किया कि वे वही नदी के किनारे ही पिकनिक सेलिब्रेट करेंगे फिर रस्टी सोमी सूरी और किशन स्विमिंग करने नदी पे चले जाते हैं बाद में वे सब खाना खा के सो जाते हैं और जब रस्टी सो के उठता है तो वह देखता है कि मिस्टर कपूर गाड़ी को ठीक कर रहे हैं और वहीं मीना जंगल की ओर चली जा रही थी रस्सी भी उसका पीछा करते हुए वहां चला जाता है जंगल में पहुंच कर वह मीना को किस करता है पर तभी कोई लकड़ी टूटने की आवाज होती है और बंदरों की आवाज भी बहुत आ रही होती है वहां पर उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कोई आसपास ही होगा और इस कारण वे बाहर वहां से चले जाते हैं तब तो वे देखते हैं कि कार तो स्टार्ट हो चुकी है और वे सब वहां से रात को घर पहुंच जाते हैं रस्टी एक दिन मिस्टर हैरिसन से मिलता है और बहुत अच्छे से बात करता है उनकी बातचीत कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि रस्टी हैरिसन का रास्ता ब्लॉक कर देता है और उन्हें जाने का रास्ता नहीं देता है मिस्टर हैरिसन वहाँ कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहते थे और रस्टी उनको हेलो कहता है और बताता है कि उसे जॉब मिल गई है तो मिस्टर हैरिसन भी सहसा पूछ बैठते हैं कौन सी जॉब करते हो तब रस्टी को लगा कि न जाने मिस्टर हैरिसन उसकी जॉब के बारे में सुन कैसा रिएक्शन करें तो वह कुछ अजीब सी ही जॉब बता देता है बेबी सिटिंग की फिर कुछ देर तक वे दोनों ही बात करते रहते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं मीना केले के पेड़ के नीचे बैठी होती है वह बहुत बोर फील कर रही होती है और रस्टी मीना को देखकर कर वहां आ जाता है मीना रस्टी से कहती है कि मैं तुम्हारे बाल काट दूँ तो रस्टी मान जाता है रस्टी के कटे अजीब से बाल देखकर किशन जोर जोर से हंसता है और फिर मीना बताती है कि नेक्स्ट डे वो मिस्टर कपूर के साथ दिल्ली जा रही है यह सुन के रस्टी उदास हो जाता है पर वह किशन की जिम्मेदारी रस्टी को सौंप जाती है वह कुछ नहीं कहता पर उसी समय सूर्य रस्टी के पास ऐसे चेक करवाने के बहाने आता है और कहता है कि स्कूल में यह ऐसे चेक होगा पर वह असल में उसे ब्लैकमेल करने आता है और कहता है कि उसका और मिसेस कपूर का रिलेशन उसे पता चल गया है और उसे पता है कि उनके किस के बारे में रस्टी को यह समझते देर नहीं लगती सूरी उसे ब्लैकमेल करना चाहता है इनफैक्ट तब वो स्माइल करता है और कहता है कि तुम अगर मिस्टर कपूर को बता भी दोगे तब भी वह तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे यह सुन सूरी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है मिसेस कपूर एक ड्राइवर रख लेती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी दूर के सफ़र के लिए मिस्टर कपूर गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाएंगे फिर वह रस्टि को और किशन को कुछ पैसे देती हैं और चली जाती हैं क्योंकि पूरा घर बंद हो जाता है जिस कारण किशन रस्टि के रूम में ही सो जाता है रात में रस्टी को नींद नहीं आती वह सारा समय मीना के बारे में सोचता है सूरी रस्टी के लिए एक लेटर छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि वह देहरा छोड़ के जा रहा है और उसकी फेयरवेल पार्टी है सब यह सुन के बहुत खुश होते हैं कि, कि वह फाइनली जा रहा है और कहीं वह रुक ना जाए इसलिए फेयरवेल पार्टी में वे सभी आते हैं और उसे चीप प्रेजेंट भी देते हैं वहीं रात को तेज हवा चल रही होती है किशन डर जाता है रस्टी को जोर से पकड़ लेता है और फिर सो जाता है सुबह पोस्टमैन की आवाज़ सुनकर रस्टी बिस्तर से उठ जाता है और पोस्टमैन से पूछता है क्या कोई लेटर मिस्टर या मिसेस कपूर का आया है क्या यह सुन पोस्टमैन कहता है नहीं पर एक टेलीग्राम रस्टी के लिए आया है रस्टी टेलीग्राम तुरंत पड़ता है और उसका रंग उतर जाता है वह अचानक सफेद पड़ जाता है और वह किशन के पास जाता है और उसे बताता है कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मां गुजर गई है और यह सुन दोनों बहुत रोते हैं रष्टि किशन को बताता है कि उसे हरिद्वार जाना होगा पर किशन रष्टि के साथ ही रहना चाहता है रष्टि कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है किशन क्योंकि उसकी आंटी उसे लेने आ रही है और रस्टी यह भी कहता है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है और ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वह उसकी देखभाल भी कर सके लेकिन वह उसे हरिद्वार जरूर मिलने आएगा रात को जब किशन सो जाता है तो अचानक रस्टी जो पहले से ही जग रहा होता है उसे लगता है कि कोई उसके रूम में है और सियार की आवाज आती है सियार मिस जे और जब रष्टि ने सियार को दरवाजे के पास देखता है तो वह चिल्लाया और जिसकी वजह से वहां से वह जयकॉल भाग गया पर किशन डर के कारण जोर जोर से रोने लगा नेक्स्ट डे किशन अपनी आंटी के साथ देहरा छोड़कर चला जाता है और रस्टी अब बिल्कुल अकेला हो जाता है रस्टी उसी रूम में अब अकेला ही रहता था उसे मिलने के लिए बस सोमी ही आता वह उसे बताता है कि वह कुछ मंथ्स के लिए अमृतसर जा रहा है यह सुनकर रस्टी बहुत ही दुखी होता है और वह सोचता है कि अब तो वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा और डिसाइड करता है कि वो भी कहीं चला जाएगा वहां से वह उस कमरे में ही पड़ा रहता है और पूरा टाइम वॉल की एक छिपकली को देखता रहता है और मीना के बारे में भी सोचता रहता है तभी उसे मीना के द्वारा दी गई चाबियों की याद आती है जो बैक रूम की थी जो मीना ने उसे जाते समय ही दी थी बैक रूम में विस्की की बॉटल्स थीं, उसने ड्रिंक करने की सोची और इतनी पी कि वह सो गया और इतनी पी कि वह सो गया और अगले दिन जब वह उठा तो उसे बहुत दुख हुआ अपनी इस हालत पर और फिर क्या था उसने सारी बॉटल्स फेंक दी और अब वह घर पर ही रहता और कुछ बदलाव होने का इंतज़ार कर रहा था करने लगा और अचानक रेन होने लगी और वह बारिश के पानी में नहाया और उसे बहुत अच्छा लगा लेकिन अब बारिश रोज रोज होने लगी थी जिस कारण मौसम पूरी तरह बदल गया था तब उसे उतना मज़ा नहीं आता था तब उसने यह तय किया कि वह ब्रिटिश एम्बेसी जाएगा और उनकी मदद से वह इंडिया से चला जाएगा पर उससे पहले वह हरिद्वार जाएगा किशन से मिलने और उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा यह सोच के उसने सोमी को एक लेटर भी लिखा और अपना सारा प्लान बता दिया रस्टी को भी सोमी का लेटर मिलता है सुमी ने उसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट की होती है पर रस्टी ने तो माइंड मेकअप कर लिया होता है और रस्टी उस लेटर को यादगार के तौर पर अपने पास रख लेता है अब रस्टी देहरादून से जा ही रहा होता है कि रास्ते पर उसे स्वीपर मिल जाता है वह वही स्वीपर था जो कि मिस्टर हैरिसन के बंगले के पास में झाड़ू लगाता था वह स्वीपर रस्टी को यह बताता है कि मिस्टर हैसन भी हमेशा के लिए इंडिया से जा चुके हैं और इसके बाद तो रस्टी का मन देहरादून को छोड़ने का पक्का ही हो जाता है वह ट्रेन की थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में सीट ले लेता है और अपने पास बैठे पैसेंजर को देखते देखते सो जाता है अब हरिद्वार का स्टेशन आ जाता है वह स्टेशन पे उतर कर यह तय करता है कि वह किशन की आंटी के घर जाकर उनसे मिलेगा वहीं रेस्ट करेगा और सुबह दिल्ली चला जाएगा रस्टी जब किशन की आंटी के घर पहुंचता है तब वहां उसे एक अजीब सी औरत मिलती है और वह रस्टि को मिस्टर कपूर से मिलवाती है तब मिस्टर कपूर उस औरत का परिचय रस्टि को देते हुए कहते हैं कि ये मेरी न्यू वाइफ है रस्टी बहुत ही हॉट फील करता है उसे लगा कि मीना की डेथ को तो एक महीना भी नहीं हुआ था ढंग से और मिस्टर कपूर ने उस बीच शादी भी कर ली मीना तो बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी मिस्टर कपूर की और अब वह किशन के बारे में भी पूछता है तभी मिसिस कपूर बताती हैं कि किशन तो चोर बन गया है और उसे तो पुलिस भी ढूंढ रही है यह सुनने के बाद रस्टि वहाँ से चला गया रस्टी बहुत ही दुखी व कमज़ोर फील करता है और नदी में नहाने के बारे में सोचता है और अब वह गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए कपड़े उतारकर किनारे रख देता है और जब वह पानी से बाहर आता है तो उसके कपड़े और चप्पल सब गायब हो जाते हैं इसके बाद वह मंदिर की तरफ जा रहा होता है तब किशन उसे देख लेता है और उसे कहता है कि हम वापस देहरादून चले चलते हैं रस्टि किशन की बात से सहमत हो जाता है और यह तय करता है कि रस्टि वहां जाकर के बच्चों को पढ़ाएगा और किशन चार्ट शॉप खोलेगा और अपना बिजनेस करेगा रस्टि और किशन नेक्स्ट डे बोट से निकल जाते हैं उसी रूम में पहुंच जाते हैं जो उनका अपना था और फ्रेंड्स इसी तरह से ये स्टोरी यहाँ समाप्त होती है आई होप कि आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स अगर स्टोरी बहुत अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें तब तक के लिए नमस्कार